नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देश में तीसरी बार मोदी पद की शपथ लेंगे। तमाम कयासों के बीच एनडीए एकजुट दिखा और नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक घटक दलों के तमाम नेताओं ने नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन की मुहर लगा दी है। मोदी सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए और आज सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। उधर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए और एनडीए सरकार को विश्वास सेतु से विकास की तरफ ले जाने का दावा किया। आइए डीआईए गठबंधन की ओर से भी पलटवार हुए। अब पीएम मोदी के साथ गठबंधन की मिलीजुली सरकार है, सामने मजबूत विपक्ष है। तीसरे टर्म की राह कितनी मुश्किल कितनी आसान, इन्हीं पर होगी आज महाबहस। पहले रिपोर्ट। तीसरी बार मोदी सरकार सर्वसम्मति के साथ, सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। मिली जुली सरकार, विश्वास सेतु से बेड़ा पार। देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। मोदी की शपथ। लगातार ईवीएम को गाली देना और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकालते आते हैं, उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। फॉर्मूला तैयार, नीतीश को मजबूत विपक्ष, मोदी 3.0 के लिए चुनौती। फेल हो गया तो अब गारंटी रह कहां गई है? और चलिए कुछ तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये राष्ट्रपति भवन से आई हुई तस्वीरें, सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और साथ ही मुंह मीठा कराया। तो आमतौर पर हिंदुस्तान की मोदी को मीठा दही खिला रही हैं। राष्ट्रपति ने पीएम को मीठा दही खिलाया। प्रधानमंत्री बार त्रिपद की शपथ लेने जा रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बनेंगे देश के। और थर्ड टर्म को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी जनसभाओं से भी बहुत वादे और बहुत सारे दावे कर चुके हैं, लिहाजा ये तीसरा टर्म उसी तरह से उतना ही पावरफुल और उतना ही दमदार रहने वाला है। किसी भी तरह के वादे में, किसी भी तरह के काम में कोई आएगी या आशा है, तो मीठा दही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। अनिला सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनोज दास जी जुड़ गए हैं जेडीयू के महासचिव हमारे साथ, प्रतिभान त्रिपाठी पत्रकार हैं। मानो का बहुत सबसे पहले कब ले लेते हैं, अगर आप इस वक्त टीवी देख रहे हो या स्क्रीन पर आपकी नजर हो तो वो तस्वीर हम चला रहे हैं कि तीसरा टर्म सर्व करने से पहले, कहते हैं ना कि किसी शुभ कार्य या बड़े काम पहले मुंह मीठा कर, राष्ट्रपति ने खिलाया है। एनडीए की तीसरी बनती है और शपथ लेते हैं। आप अब भी अगर कहेंगे दीपक जी, तो मैं समझता हूं कि भाई आप इतनी कॉन्फिडेंट होंगी जब तक शपथ नहीं आता, आप इनको करवा प्रधानमंत्री। नहीं नहीं, मैं नहीं इसमें कोई मेरी दिलचस्पी, लेकिन अब तो आंकड़ों ने, अब तो राष्ट्रपति ने निमंत्रण दे दिया और उन्होंने दावा भी पेश कर दिया। आप अब भी अगर लगा रहे हैं आंकड़ा, आस्था जी खंडित जनादेश आया है, खंडित जनादेश है ये, आंकड़े पे मत जाइए आप। बहुत सी सरकारें बनी है, बहुत सी सरकारें नहीं बनी। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर सरकार बनती है, जब शपथ ले लेते हैं तो उसके बाद मैं फुल फ्रेज इनको बधाई दे दूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर सरकार बनती है तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जनहित के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी जो है और या एनडीए सरकार जो है वो खरी उतरेगी, क्योंकि पिछले 2014 से 10 साल के जो वादे थे उन वादों पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी नहीं। अब देखिए, अब जो खंडित जनादेश आया है, मिलजुल करके सरकार बन रही है, तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि नीतीश जी, चंद्रबाबू जी, मेरी बात आ जाती है आस्था जी, हाँ। जैसा कि नीतीश जी देखिए, नीतीश जी पद के बहुत ज्यादा ललायक, पद के लिए बहुत ज्यादा आस्था जी ललायक नहीं रहते, वो मुद्दों के आधार पर जो अपनी बात रखेंगे, जो उन्होंने वहां पे अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया अपने बिहार में, जो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है लागू करने का उन्होंने वादा किया है अपने प्रदेश में, उन्होंने जातिगत जनगणना के लिए जो वादा है कि पूरे नेशनल लेवल पे जो जातिगत कास्ट सेंसस कराया जाएगा, तो मैं समझता हूँ इन सब मुद्दों पे जो नई सरकार बनने वाली है उनसे बात करेंगे। और पद से ज्यादा मैं समझता हूँ, जहां तक मैं नीतीश जी को जानता हूँ, वो
तो कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और जिस शब्द का उपयोग बार बार कर रहे हैं आप, कह रहे हैं खंडित जनादेश, आप खंडित जनादेश कह रहे हैं। अनिला जी हमारे बीच में है, बीजेपी प्रवक्ता। अनिला जी आपने पूरी बात सुनी, विपक्ष की जो पहली आस है वो अभी भी नीतीश कुमार और उनकी पलटियों पर है, और दूसरा वो इसको अब भी खंडित जनादेश कह रहे हैं। मेरी सबको राम राम, और फॉर्म किया है क्योंकि जो जनादेश होता है वो सर माथे लेना चाहिए रहती है, पर जो जनादेश होता है उसको सलाम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसके लिए बधाई। आप जो ये कह रहे हैं कि खंडित जनादेश है, ये एनडीए का परिवार है, हम खंडित नहीं है, हम जैसे कल थे वैसे ही हम आज हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी इस बार नहीं आई है, पर खंडित तो ना हम पहले थे ना अब हैं। पहले भी नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता थे, एनडीए के सबके माने हुए चेहरा थे, आज भी वही हैं, कल भी वही प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पूरी अपना जो भी कार्यभार था उसका उस ड्यूटी को पूरे अच्छी तरीके से निभा रहे थे, क्योंकि एनडीए का जाना माना चेहरा नेता सब वही है और अभी भी भविष्य में भी वही होने वाला है। तो हम तो खंडित नहीं है, परंतु उधर क्या ये देख रहे हैं कि खंडित जनादेश है, सरकार चलती है कैसे चलेगी उस पर वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, आप कर रही है कि विपक्षी, तो आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे कि किसके साथ ही कब तक रुकेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ चर्चा के लिए मनोज दास भी हैं, महासचिव जेडीयू। मनोज दास जी, आपने समाजवादी पार्टी की बात सुन ही ली होगी, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी समय को लेकर जिस प्रकार के लालियत इंसान हैं और उनकी लालसाएं बढ़ती जाती हैं, बहुत बड़ी मांगे वो रख देते हैं, अक्सर पलट भी जाया करते हैं। तो आज तो जो स्पीच हमने देखी, जो एनडीए के तमाम सांसदों की बैठक हुई, उसमें तो नीतीश बाबू ने जो स्पीच दी उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग इधर उधर चले गए थे अगली बार वो भी वापस आ जाएंगे, और वो झुक करके प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी छूना चाह रहे थे, वो जेस्चर भी लोगों ने देखा। लेकिन विपक्ष अब भी आशंकित है इस बात को लेकर कि कब पलट जाए नीतीश बाबू, पता नहीं। देखिए, अब विपक्ष के बारे में तो कुछ कहा कि किसी हालत में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कल भी वो बोल रहे थे कि जो 240 जीते हैं बीजेपी के उसमें 103 मोदी जी के खिलाफ हैं, तो वो कब क्या बोलेंगे उनकी बात पर अगर हम करेंगे तो ये हम नहीं सकते। और कौन कहां जा रहा है ये तो पता नहीं कि इनको नजर नहीं आ रहा है, जिसके साथ आज मिल के बैठक कर रहे हैं उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक इनके एलआई पार्टी ने घोषणा कर दिया कि हम अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जैसे पूर्व में कांग्रेस के साथ ये पार्लियामेंट लड़े थे या विधानसभा में अलग होने की घोषणा कर दिए थे। तो ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, एक तो भाग गए, अब इनको अपना देखना होगा। लेकिन कौन भाग गए? जो आज मनोज जी कौन भाग गए? जो नीतीश कुमार जी, जो आप 3 महीना का इंतजार कीजिए, 3 महीना में सारी स्थिति आपके सामने चली आएगी। और ये सरकार 5 वर्ष ही नहीं, अगले 5 वर्ष के लिए रिकॉर्ड हो चुकी है, इतना मैं कह सकता हूँ, इससे ज्यादा बोलने का कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जनता इसको देखेगी। ठीक है दीपक जी, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा, मैं लौटूंगी, आप डेफिनेटली रिएक्ट करना चाहते होंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट रतिभान त्रिपाठी जी से लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में है, और इस वक्त सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। आधा मिनट, ठीक है, बोलिए। सुधा मिश्रा जी को विंडो में लाइए, अगर वो जुड़ गई उनका ऑडियो। मेरी बात सिर्फ आधे, आशा जी मैं आपकी बात का ही मैं जवाब देना चाहता हूँ, अगर आप मुझे समय दें तो। बोलिए बोलिए दीपक जी। देखिए आस्था जी, मेरी बात को आपने गलत तरीके से पेश किया, या तो आप पैनलिस्ट की बात को ध्यान से सुनती नहीं है, सुनना नहीं चाहती। मैंने ये कतई नहीं कहा कि आपने कहा उनको मनोज जी के सामने रख दिया, वो खुद भी पैनल पर है और आपकी बातों को सुन रहे हैं। आप दोबारा नहीं तो आप अरे अरे मैम, तो आप उस चीज को क्यों, मैंने तो ये कहा कि मुद्दों के आधार पर जो है कि सरकार में शामिल होंगे। आपने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जो है वक्त के लालियत रखती हैं स्कीम को लेकर के, वो कब पलट जाए पता नहीं। अरे क्या सुन रही हूँ आप, मैं क्या सुन रही हूँ उसको छोड़ दीजिए, मनोज जी भी इस पैनल पे, वो भी आपको सुन रहे हैं, अब आप अपना जवाब दीजिए। नहीं, अगर मनोज जी ठीक से सुना या आपने ठीक से सुना तो उसको रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने ये कहा कि आदरणीय नीतीश बाबू जो है कभी पद की लालसा नहीं रहते, कभी पद के ललायत नहीं रहते हैं। अगर दोबारा से सुन पाएगा तो रिवाइंड करके सुन लीजिए, और अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं प्रवक्ता का पद छोड़ दूंगा समाजवादी पार्टी से।
लेकिन आप भी अगर गलत अगर आप हैं तो आप अपनी बात पूरी कर ली, मैंने अपनी बात पूरी कर ली। अगर आप अपनी बात पे कायम है, आप अपनी आस्था जी सच बोलना सीखिए। आपकी बात का जवाब दिया है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, लेकिन एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। विषय यहाँ पर एनडीए है। आपने आपने कहा खंडित जनादेश, खंडित जनादेश शब्द का आपने उपयोग किया और नीतीश कुमार को आप क्वोट कर रहे हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता ने हमारे बीच में स्पष्ट कर दिया कि भाई वो कहीं नहीं जा रहे हैं, 5 साल चलेगी। अगर मैं बोल दूं, अगर आप सच हो तो आप बोल दो, एंकर पर से इस्तीफा दे दो, ठीक है? ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, सब सुन रहे हैं, मनोज जी भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, बाकी पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं। लेट्स नॉट गो इनटू इट। स्टिक टू द सब्जेक्ट। सुधा मिश्रा जी, मैं आपको लेकर आती हूँ चर्चा के अंदर। फॉर्मूला तैयार है, नीतीश नायडू को पूरा एतबार है। आज आपने भी स्पीचेस सुनी होंगी और जेस्चर्स भी रीड किए होंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में जेस्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसने मंच से आके जो कहा वो भी आपने सुना, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से जब दोनों ही नेता मिले, उनके आसपास बैठे हुए थे, किस तरह बातचीत चल रही थी वो आपने देखा। कुल मिलाकर एक संदेश उस तस्वीर के माध्यम से ये दिया गया कि 5 साल ही सरकार चलेगी, सरकार का ना तो तेवर बदलेगा ना ही मजबूत फैसले लेने की क्षमता कम होगी। सरकार एनडीए के पास पूरा बहुमत है, राष्ट्रपति ने निमंत्रण दे दिया है, सरकार बनाने का दावा पेश भी हो गया है। लेकिन तस्वीर ये है कि इस बार विपक्ष को भी सीटें दी हैं जनता। पेंशन की बात होती है, चंद्रबाबू नायडू अपने स्टेट में मुस्लिम रिजर्वेशन आगे तक चलाना चाहते हैं, तो बहुत सारे मुद्दे पर क्या टेक है? और जो शब्द का इस्तेमाल अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, खंडित जनादेश, तो क्या आप भी इसी के साथ हैं, इस शब्द के साथ हैं? आस्था जी, सबसे पहले पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। और आपके जब डिबेट चल रहा है तो नीचे आप कुछ जनादेश का कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, उसमें माइनस और प्लस लिख रहे हैं। आपने खुद ही दिखा दिया है कि प्लस में कौन है और माइनस में कौन है, तो मुझे और हमारे गठबंधन के साथी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपने जेस्चर की बात की, उस जेस्चर की मैं बात कर लेती हूँ। त्यागी भाई कुछ महीने पहले तक हमारे साथ ही बैठ के मोदी जी के बारे में जो जेस्चर देते थे, जो बातें करते थे, वो भी आपने देखा सुना होगा, और आज जो कह रहे हैं वो भी देख सुन रहे हैं। तो समय बदलता है, प्रकृति का नियम है, बदलाव होता है, और हम उसी बदलाव की बात कर रहे हैं। जहां तक इस जनादेश की बात है, बिल्कुल जनादेश जो खंडित जनादेश है 303 से लाके खड़ा कर दिया कि इनको अब गठबंधन एनडीए गठबंधन की सरकार को बनाना है, ये कहना पड़ रहा है। अभी तक भाजपा की सरकार बनती थी पूर्ण जनादेश की, तो क्या ये खंडित जनादेश का नहीं है? मतलब हम कह दें तो वो गलत, लेकिन जो संख्या बल में दिख रहा है उसे गलत मानने में कैसा एतराज? आप नीचे स्वयं जो पट्टी चला रही है उसमें लिखा हुआ है कि माइनस में यहां से गए, माइनस में यहां से गए। जो विश्व रिकॉर्ड बन रहा था, मोदी रिकॉर्ड बन रहा था, उस रिकॉर्ड में नकारात्मक संख्या ज्यादा है, लेकिन उस रिकॉर्ड में ये आप कह नहीं पा रहे हैं, और हम कह रहे हैं तो हमको टोक दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि उनके साथ के साथ दिखा के सरकार बनने की दिशा में वो लोग आगे बढ़े हैं, ये सत्य है। हम इस बात को, सत्यता को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार बनाने के लिए न्योता मिला है, निमंत्रण मिला है, वो सरकार बनाएंगे। जनता ने हमें आगे किया है, जनता जानती है कि उनकी आवाज, आप जानती हैं आस्था जी, जो व्यक्ति इस देश के समस्त जनसंख्या के लोगों में, जनसंख्या में संविधान के विश्वास को हटाने की बात कर रहा था, जो 80-20 की बातों पे चल रहा था, कपड़ा देख के पहचान रहा था और मोदी 7 पीढ़ियों को याद दिला देगा ऐसी बात कर रहा था, आज वो संविधान के सामने झुका हुआ व्यक्ति था। मैं आदरणीय मोदी जी की बात कर रही हूँ आज पूर्णतः। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि जिस संविधान के सामने झुके हुए थे वहां पे भारत का संविधान नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। तो ये जो खूबसूरती है, जिसने उस अहंकार दर्प को तोड़ा है, ये दिखाने के लिए कि अहंकार दर्प संविधान को लेके नहीं चलता है, संविधान सत्य को लेके चलेगा, जन को लेके चलेगा, और जनता ने इस जनादेश में अपनी अहम भूमिका को निर्धारित किया है। ये जो जनादेश है उनके खिलाफ है, हमारे फेवर में है, तो एक खंडित ही तो 300 वहां पहुंच रहा है। मैं सुन रही हूँ और मैं सुनकर बड़ा ताज्जुब कर रही हूँ कि जो फेलियर्स हैं, जो फेल हो गए, वो इतनी बेशर्माई से, इतनी बेशर्माई और ढीठता के साथ अपनी असफलता को यहाँ पेश कर रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बन रहे हैं, कोई गांधी परिवार का व्यक्ति यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बन रहा। आप फेल्ड हैं,
आपको भारत की जनता ने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। आप तो सौ और आप भी कह रहे हैं कि आपका 303 हो गया है, ऐसा है क्या? कुछ आप मुझसे कुछ कह रही हैं आस्था जी? नहीं, मैं वो आंकड़े की बात कर रही हूँ। आप लोग भी कह रहे हैं कि 303 हो गया है, वो लोग भी कह रहे हैं कि 100 हो गया। एक समर्थन शायद उनको भी मिला जिस तरह आपको कुछ आंकड़े है वो आपकी आपकी स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैंने बहुत ही तमीज से तहजीब से ये डिबेट स्टार्ट करी थी, मैंने बधाई भी दी थी कि अच्छा परफॉर्म किया है। जो अब यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनादेश जो होता है वो सर्वोपरि होता है, आप लोगों ने अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। पर आगे से अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसका जवाब हमें अच्छी तरीके से देना आता है। तो जो असफल फेल्ड लोग होते हैं, जिनको जस्ट पास मार्क भी नहीं आते हैं, जो 100 का आंकड़ा भी टच नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे बात ना बनाए। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती तो इनको कोई छूने वाला नहीं था। कौन पूछता है कांग्रेस पार्टी को? बात यहां पे ज्यादा ना बनाए। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं और जो काम रह गए थे मजबूती से वो पूरे होंगे। और देख लीजिएगा दुनिया भर की ढोल जो पीट रहे हैं, आप लोगों के जो यूट्यूबर्स हैं, दुनिया भर के जो लोग हैं, आप लोग आके इधर उधर की बातें करते हैं, करते रहिए। जिस व्यक्ति को काम करना है जैसे वो पहले कर रहे थे वो अभी भी वैसे ही करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है फिर कमाल करके दिखाएगी। ठीक है, रतिभान त्रिपाठी जी, विपक्ष मजबूत है पहले से और सत्ता पक्ष का कह रहा है हमारे इरादे भी उतने ही मजबूत हैं। अब आप इस मोदी 3.0 को किस तरह देख रहे हैं? स्वरूप एक तरफ जेडीयू, दूसरी तरफ टीडीपी और तीसरी तरफ विपक्ष जो है, जो अब भी यही अपनी बातों से उम्मीद देता है कि खंडित जनादेश है, अब देखिएगा ये सरकार क्या कर पाती है क्या नहीं। आज दिन भर जो घटनाक्रम चला आस्था जी, उस घटनाक्रम से साबित है कि मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं और ये सरकार एनडीए की होगी। मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि ये सरकार एनडीए की, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भाजपा की सरकार है। पहले भी दो बार सरकार बनी थी 14 में और 19 में, उसमें भी सरकार एनडीए की थी, लेकिन चूंकि भाजपा का पूर्ण बहुमत था इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता उत्साह में उसे अक्सर मोदी सरकार कहा करते थे, भाजपा सरकार कहा करते थे। सरकार वो एनडीए की ही थी, लेकिन इस बार चूंकि स्पष्ट है कि भाजपा जो 272 का जो एक आंकड़ा है वहां तक नहीं पहुंच पाई, 240 पर ही टिक गई, इसलिए वो भाजपा सरकार नहीं रह गई है, वो एनडीए की सरकार रह गई है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अब रही बात सरकार चलने विपक्ष की, तो विपक्ष तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने कमाल किया है, समाजवादी पार्टी ने अद्भुत चमत्कार किया, 5 से 37 पर पहुँच गई और कांग्रेस 1 से 6 पर पहुँच गई, ये कमाल ही कहा जाएगा, इसमें दो राय नहीं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर सवार होकर ही कांग्रेस यहाँ तक पहुँची है, अच्छी बात है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। लेकिन ये जो आत्मविश्वास मोदी जी का है या तेलुगु देशम के नेता नायडू जी का है या जदयू के नेता नीतीश कुमार जी का है, जो उनकी एकजुटता आज प्रदर्शित हुई है, जो माहौल बना है, उससे फिलहाल कहीं नहीं लगता है कि इनकी सरकार नहीं चलेगी। पर राजनीति में तो क्षण क्षण प्रतिक्षण बदलाव होते रहते हैं, उसको उनकी आशंकाओं से ऐसी संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। रही बात मजबूत से चलाने की, तो पिछले 2 बार की सरकारें मजबूती से चली हैं, जो प्रतिबद्धता सहयोगी दलों ने जताई है, एनडीए के सहयोगी दलों ने, उससे लगता है कि सरकार मजबूती से चलेगी। लेकिन अभी कुछ कुछ विषय उठने लगे, क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल कोई संशय नहीं है। कुछ विषय उठने लगे, अब देखिए अग्निवीर की बात हुई, अग्निवीर इसको रोल बैक होना चाहिए, ओल्ड पेंशन की बात होनी चाहिए, चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उनके स्टेट में मुस्लिम रिजर्वेशन जो है वो चलता रहे, जबकि इसका विरोध किया गया एनडीए की तरफ से पूरे चुनाव के दौरान। जी ठीक है, चंद्रबाबू नायडू ने अपने स्टेट में वायदा किया है अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने का। अग्निवीर का विरोध उत्तर प्रदेश में भी था, विपक्ष कर रहा था, भाजपा भले कह नहीं पा रही थी, भाजपा के भीतर भी इस बात का वो कष्ट था कि नहीं अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, नौजवानों के साथ ठीक नहीं है। और यही बात बिहार से उठ रही थी, क्योंकि इन्हीं राज्यों के लोग नौकरियों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी इनकी रहती है, साउथ के राज्यों में नौकरियों पर डिपेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश में हुआ करती है। तो ये योजना अग्निवीर योजना का विरोध होगा, तो जब ये तीनों दल बड़े दल शामिल हैं और बाकी और पार्टियां शामिल हैं, करीब 20 पार्टियां कुल मिलाकर के हैं, तो जब
कोई योजना बने वो बने तो एनडीए की बैठक हुई, एनडीए की बैठक में तय कर लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि मोदी जी एनडीए की बात से सहमत थोड़ी होंगे, वो जो सहमति बनेगी उसी के आधार पर काम करेंगे। अगर असहमति रहेगी तो उस मुद्दे को छोड़ेंगे, उसके उससे आगे बढ़ेंगे, ये भी संभव है। चलिए ये आप ये बता रहे हैं कि नहीं सब कुछ मोदी जी अपने मन का ही कर ले जाएंगे। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं और एनडीए की तरफ से यही इंडिकेशन है कि सबको साथ लेकर चलना है तो सबकी सुनी जाएगी, सबका प्रभाव होगा। आस्था जी, मैं आदरणीय अनिला जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो चंद्रबाबू नायडू जी की जो मांग है, क्या उस मांग की से सहमत हैं लोग कि वो मुसलमानों का आरक्षण देना चाहती है वहाँ पे अपने स्टेट में या नेशनल लेवल पे या जहाँ पर भी देना चाहती है। अभी हमारे आदरणीय रतिभान त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इनकी बैसाखी के सहारे, ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, दोनों लोगों ने मिलजुल करके जो है उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें लेकर के आए, अगर हमारी बैसाखी थी तो भी तो इनकी सरकार भी बैसाखी के सहारे ही बन रही है, इनकी सरकार भी बैसाखी के सहारे चलेगी, डिपेंडेंट सरकार रहेगी। लेकिन मैंने ये कहा, जो मैंने पहले कहा था, मनोज भाई शायद हो सकता ना सुन पाया हूँ, मैंने ये कहा था कि आदरणीय नीतीश बाबू जो है वो कभी पद के लिए ललायत नहीं रहते, पद तो ऑलरेडी उनके पास मुख्यमंत्री है और कई बार के मुख्यमंत्री है, वो मुद्दों के आधार पर समझौता करेंगे, मुद्दों के आधार पर वो समर्थन देंगे। और उनके मुद्दे हैं कि जो उन्होंने अपने वादा किया, अपने बिहार में लोगों से वादा किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया है, अग्निवीर को खत्म करने का वादा किया, कास्ट सेंसस कराने का वादा किया है, उन वादों पे अगर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती है तब इनका समर्थन जारी रहेगा। मेरे समझ से शायद सुनने में आपको या मनोज जी को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया होगा, ये बात मैंने कही थी। और मैंने ये भी कहा था, जहां तक मैं नीतीश बाबू को जानता हूं, जहां तक पूरा देश नीतीश बाबू को जानता है, और पलटने वाली बात आपने की, अगर नीतीश बाबू पलटे हैं तो क्या सम्राट चौधरी जी नहीं पलटे? आदरणीय सदस्य सुशील मोदी जी अब इस दुनिया में नहीं है और मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, आस्था जी क्या वो नहीं पलटे? उन्होंने क्या कहा था, डीएनए टेस्ट करने तक की बात हुई थी, तो अगर नीतीश जी पलटे तो पलटी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी भी है, तो ले लिया उन्होंने अपने साथ, कितनी कितनी बातें कहीं डीएनए आज तक टेस्ट करने की बात कर दी थी। देखिए जी, जो मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम भाइयों के विषय में बोल रहे हैं या अग्निवीर योजना के विषय में बोल रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि जो यहाँ हम बैठकर बात कर रहे हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो पार्टी को हेड कर रहे हैं, इस पर उनकी चर्चा नहीं हुई होगी? आज जिस प्रकार की एक केमिस्ट्री हमको देखने को मिली है, आपको नहीं लग रहा कि ये सारी बातें हुई होंगी, एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी? उसके बाद जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, एनडीए के चेहरा चुने गए हैं, हम तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों पर तू तू मैं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सारी बातें नहीं हुई होंगी क्या? जो लोग राज्य चलाते हैं, जो लोग राष्ट्र चलाते हैं, क्या उन लोगों को इस चीज की समझ नहीं है कि इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, क्या वायदा किया है, इसको लेकर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि थोड़ी सोच को बड़ा करके कि भाई ठीक है, जो लीडर्स बैठे उनका खुद का एक मिशन विजन एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद आए हैं। ठीक है, सुधा मिश्रा जी। सुधा मिश्रा जी जी, आस्था जी, सबसे पहले मैं अनिला जी का जवाब दे दूं। मैं जब भी डिबेट में बैठती हूँ, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो मैं बात बोल रही हूँ उस कितने तमीज से बोली जाती है। तमीज शब्द का जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उसका कितना पालन कर रहे हैं। ठीक है, आपने सीधे बोल दिया, कुछ तमीज से ठीक है। नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रही, मैं विषय पे ही आ रही हूँ। और जहां तक बात थी कौन जीता कौन हारा, 272 की संख्या थी और मोदी जी के चेहरे पे चुनाव था, आप नहीं पहुंचे, छू भी नहीं पाए हैं और आप कह रहे हैं कि आप टॉप कर दिए हैं। अरे कम से कम जब हार जीत मेरिट और हार पास जीत की बात करती है तो कम से कम ये बात रखिए पासिंग मार्क कितना था। इस बार लोकसभा चुनाव में पासिंग मार्क 272 का था, नहीं पहुंची है। तो अगर आप हम हारे हैं तो आप भी हारी हुई हैं। और जहां तक बैसाखी और जाने क्या क्या बातें हो रही हैं, आप गठबंधन में तो बहुत अच्छा, हम गठबंधन में है तो वो अच्छा नहीं है, ये कैसे दोहरे चरित्र हो सकते हैं, ये कोई सीखे इन लोगों से। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को घेरना, मुझे लगता है कि अभी आने वाले वक्त में हमें इसी तरह विपक्ष के भी तेवर देखने को मिलेंगे और सत्ता पक्ष भी अपनी बात जो है वो इस तरह से दावे के रूप में रखता मिलेगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। देश में मोदी सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमाम कयासों के बीच एनडीए एकजुट दिखा है और नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक घटक दलों के तमाम नेताओं ने नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन दिया है और सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखे प्रहार भी किए हैं। INDIA गठबंधन की तरफ से भी पलटवार हुए हैं। अब पीएम मोदी के साथ गठबंधन की मिलीजुली सरकार है, सामने मजबूत विपक्ष है, तो तीसरे टर्म की राह आखिर कैसे रहने वाली है, इसके लिए वक्त का इंतजार होगा। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।